तारा भाभी ये इयररिंग आपकी है क्या? इयररिंग दिखाओ। सौम्या ऐसी इयररिंग्स मैं कहाँ पहनती हूँ? नहीं मेरा नहीं है पर बहुत अच्छी है। हाँ राजू ये किसकी इयररिंग हो सकती है? सौम्या तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। अच्छा सुनो, वो तुमने लमास क्लासेस के बारे में बोला था ना, लेकिन कितने बजे जाना है वो तो बताया ही नहीं। 11:30। अरमान फ्री है ना? फ्री नहीं भी हुए ना तो तुम्हारे लिए हो जाएंगे, तुम और बेबीज उनकी टॉप प्रायोरिटी हो। मुझे ये खाना मैं रखती हूँ, तुम इसमें डाल दो टाइमिंग, अपडेट कर दो, मैं ये रख के आती हूँ। ओके आई विल जस्ट कम। ओके सौम्या फीड कर दिया? ओके चलो मैं यहाँ से कंफर्म कर देती हूँ और जीजू के पास भी अलर्ट पहुंच जाएगा। इलेवन थर्टी ए एम नहीं, 1:30 PM तक अरमान रहेंगे मेरे साथ। कंफर्म। कल हमें ये इयररिंग मिली थी, शायद मेरे हस्बैंड मिस्टर अरमान ओबेरॉय आपको देना भूल गए। नो मैडम, लगता है कुछ कंफ्यूजन है। अरमान सर ने तो हमें कल इयररिंग दे दी थी, इनफैक्ट जिसकी इयररिंग थी वो कल आकर लेकर चले गए थे। हेलो हेलो अरमान सर, वो सौम्या मैडम आई थी इयररिंग देने और जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा उनसे। गुड थैंक यू। स्विच्ड ऑफ, नाउ आई एम ऑल योर्स। Touch a worm very carefully and gently. That's like a good husband. One, two. Whoever you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. Yes, man, your phone switched off. Why? ऑफिस में करती हूँ। हेलो हाय, मैं मिसेज अरमान ओबेरॉय बात कर रही हूँ, आप प्लीज कॉल ट्रांसफर करवा दीजिए। सॉरी मैम, सर तो ऑफिस आए नहीं आज। मुझसे झूठ कह रही हूँ? नहीं प्रशा, एक्चुअली अरमान लमास क्लास के लिए नहीं आए थे, की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम्हें कोई आइडिया है? क्योंकि उनका फोन भी बंद था प्रिशा, आई डोंट नो वेयर ही इज। तुम्हें पता होगा, देखो ये मत कहना कि वो ऑफिस में थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अरमान ऑफिस में नहीं थे। प्रिशा, प्रिशा तुम सिर्फ अरमान की सेक्रेटरी नहीं हो, तुम मेरी बहन हो, वी आर सिस्टर्स। प्लीज टेल मी। जीजू लमास क्लास आना ही नहीं चाहते थे। और वो तुम्हें एक्सक्यूज भी देंगे कि अपॉइंटमेंट 11:30 का नहीं 1:30 का था। What's this? May I know what the hell is this? लमास क्लास अकेली क्यों चली गई तू? क्योंकि क्लासेस 11:30 के थे। सौम्या 1:30 का क्लास मेरे मोबाइल में है, देख लो, ये स्केड्यूल देख लो मेरा, 1:30 है ना? I'm so sorry अरमान, लेकिन आप 11:30 को कहाँ थे? क्योंकि मैंने तो आपको बहुत कॉल्स किए जब लमास क्लासेस में थी तब, और जब वहां से बाहर निकले तब भी, और आपका फोन तो स्विच्ड ऑफ था, क्यों? कहाँ थे आप? मुझसे ही सवाल पूछ रही हो, मतलब मेरी गलती है? How dare you? अरमान, एक वाइफ अगर अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो कहाँ थे तो उसका मतलब डेयरिंग नहीं,
इंजीनियरिंग भी तो हो सकता है ना? और आपका क्या चला जाएगा अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे और बता देंगे कि आप कहाँ थे 11:30? कहाँ थे आप अरमान? ऑलराइट, मेरा फोन स्विच्ड ऑफ था। वो स्विच्ड ऑफ इसलिए था क्योंकि मैं एपिसोडिक स्टोरी की मीटिंग में था ऑफिस में। जहाँ आप थे ही नहीं। जानती हूँ अरमान कि आप एक मिनट के लिए भी आज ऑफिस नहीं गए थे। आपने मुझे वादा किया था अरमान कि आप मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, पर आज आपने फिर से मुझसे झूठ कहा। सौम्या बेटा, एक सेकेंड मम्मी जी, तो बताइए अरमान आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप ऑफिस में थे? ओके फाइन, नहीं था मैं ऑफिस में, लेकिन ऑफिस के काम से ही बाहर गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे आप अरमान, जो आपको आपका फोन स्विच ऑफ करना पड़ा? तुम फंस गए हो अरमान क्योंकि तुम ये नहीं बता सकते कि तुम मेरे साथ थे। Okay, fine. You want to know, मैं कहाँ था? Yeah. ठीक है मॉम, बता दीजिए आप इसे। मैंने बताया था ना आपको, टेल हर। हाँ हाँ, बताया तो था। What did I tell you? बताया था ना, एक फ्रेंच कंपनी के साथ में टाई अप हुआ है, इंटरनेशनल कंटेंट बनाने वाले हम लोग। कॉल किया था ना मैंने आपको? हाँ हाँ, कॉल तो किया था। सब ठीक हो गया? कैसे नहीं होता मॉम, आपकी ब्लेसिंग्स थी ना मेरे साथ। मॉम आप ये भी बता दो सौम्या को मैंने क्या कहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये न्यूज आउट हो, इसलिए ऑफिस में नहीं रखी थी मैंने मीटिंग, ताकि मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता ना चले, ऑफिस में किसी को पता ना चले, मीडिया को पता ना चले। यू गेट इट नाउ? हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इसलिए हमारे बीच झगड़े होंगे, रिश्ता है तो गलतफहमियां भी होगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ अरमान कि हम सब कुछ भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट करके मूव ऑन नहीं कर सकते। अरमान मैं नहीं चाहती कि इन सबसे हमारी बेबीज पर कोई भी असर पड़े। एनीथिंग फॉर माई बेबीज। थैंक यू। घर पे मम्मी जी ने हमारे बेबीज के लिए सत्यनारायण की पूजा रखी है, हम दोनों को बैठना है साथ में। I'll be there. बेबीज का नाम लेकर तुमने मना लिया अरमान को सौम्या, बट मैं भी देखती हूँ कल अरमान पूजा में तुम्हारे साथ कैसे बैठते हैं। Today is my birthday. What? Really? Oh, happy birthday. Have a wonderful day. वंडरफुल तो है ही, मैं और मेरी तन्हाई यहाँ बैठ के एक दूसरे को विश कर रहे हैं। बस ये कपकेक ही काटने वाली थी अभी। तुम्हें बताना चाहिए था ना, हम पूजा के बाद एक अच्छी सी पार्टी करते। नो, वी कांट पार्टी, और आप प्लीज किसी को बताना भी मत। मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले कि मेरा बर्थडे है, यू नो, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं खुद कुछ बन नहीं चाहती। कृष्णा, इतना स्पेशल तो बना लिया मैंने तुम्हें अपने लिए,
और क्या बनना है तुम्हें? अभी तो बहुत कुछ बनना बाकी है, बट आज के लिए बस कोई होता जो मुझे लंच पे ले जाता। That's it. So lunch date it is. कहाँ जाना है? All right then. मीटिंग जल्दी से फिनिश करके we'll go for lunch. सुषमा जी, पूजा का शुभ मुहूर्त 2/14 का ही है, इसके बाद में स्थापना नहीं हो पाएगी। तो पंडित जी आप कर दीजिए ना स्थापना। कैसे करें, पूजा में माता पिता दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। है ना, है ना, है ना परजाई जी, है ना? ओ परजाई जी, आई एम सो सॉरी, इस खोते ने बताया ना कि आप गाड़ी में बैठी, नहीं तो आपको पहले ही बार बुला लेते। एक सेकंड, साथ में खड़े हो ना। बाय गॉड, बड़ी सोनी जोड़ी लग रही है। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या बात। एक्सक्यूज मी। हेलो मॉम। अरे कहाँ हो माय सन? पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं। ये पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ जल्दी आओ बेटा। हाँ हम रास्ते में हैं। सॉरी सॉरी वी आर लेट, बस पहुंच रहे थोड़ी देर में। हाँ या बाय। गोली, हाँ घर में ना पूजा रखी हुई है और हम वैसे भी लेट है, तो आई लीव। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आई सी यू लेटर। आपसे मिलके बहुत खुश हुई, सत श्री अकाल। अरे गोल्डी, अरे आंटी जी, अरे पैरी पहना आंटी जी, पैरी पहना। आपको देख के मजा आ गया, आप तो अभी भी उतने ही रैविशिंग लग रहे हो है जी। ओ गोल्डी पुत्र, तू ऐसे ही सडनली यहाँ कैसे आ गया? ओ आंटी जी, लोग गाड़ी से आते हैं और मैं प्यार से आ गया, मुझे पता चला घर में पूजा चल रही है, मैंने कहा आपसे मिलने के लिए इससे अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता, इसलिए बस चला आया। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया जी। मगर मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। Why? अरे आपने मेरे भाई की शादी करा दी और मुझे बताया तक नहीं। अरे ले, मैं ना घोड़ी के सामने नाच सका ना ढोल वोल बजा सका, आज ना मैं नाच के भी जाऊंगा और अपनी परजाई को मुंह दिखाई का एक बढ़िया सा गिफ्ट भी दे के जाऊंगा जी। मीट माय वाइफ सौम्या। नमस्ते। आप परजाई हो? जी मायसेल्फ गोल्डी सैगल LLB, जिससे कोई झूठ छुपता नहीं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये ना मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो जैसे होता ना वंस अपॉन अ टाइम पुराना वाला दोस्त, ऐसा दोस्त है। आपको पहले कभी देखा ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। ये मेरी बहन है प्रशा और अरमान की पर्सनल सेक्रेटरी। हाँ सत श्री अकाल जी, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अब तू इधर क्या खड़ा है, उधर जाके खड़ा हो, चल उधर खड़ा हो एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, ओहो यार कितनी सोनी जोड़ी लग रही है यार दोनों की, बाय गॉड मेड फॉर ईच अदर, एकदम फायर एंड आइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू, आपने कहा ये, मैं कहती हूँ तो सुनते ही नहीं अरमान मेरी। ओ भाभी जी, ये बचपन से ही ऐसा है, ये ना कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। इसके पास जो होता है ना उसकी कोई कदर नहीं होती इसे, और जो इसके पास नहीं होता उसे वही चाहिए होता है। चल यारा गले लग जा। बड़ी किस्मत से ऐसे सोने रिश्ते बनते हैं यार, इसे हाथ से फिसलने नहीं देना चाहिए। चल मिल ले। या बाय। अच्छा
बोलो सिमी। सौम्या मैम, वो एक्चुअली जो हस्बैंड पे डाउट करने वाला सीन है ना, वो हम लोग शूट कर रहे हैं अभी। डायरेक्टर को है ना उसके पीछे का थॉट समझ में नहीं आ रहा। मैंने उन्हें समझाया लेकिन उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप एक्सप्लेन कर देंगे क्या प्लीज उन्हें? सिमी, अरमान आए थे ना सेट पे एपिसोड समझाने के लिए डायरेक्टर को? नहीं सर, तो सेट पर आया ही नहीं। लेकिन मैम प्लीज आप समझा दो ना अभी, क्योंकि शूट रुका हुआ है। अरमान मुझसे झूठ क्यों कह रहे हैं कि वो सेट पर गए थे? क्या छुपा रहे हैं अरमान मुझसे? आप जो इतना स्ट्रेस लेते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। सो, तुमने मेरे लिए फास्ट रखा है। Aren't you sweet? Thanks. अरमान, अरमान आप यही है ना? वो एक्चुअली मेरी आंखें बहुत जल रही है, बीच बीच में पानी भी निकल रहा है आंखों से, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वन मिनट सौम्या, पहले मुझे प्रेशर को हैंडल करने दो। टेल मी, जवाब दो मुझे, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हर बार इतनी गलतियां कैसे करती हो, और वो भी फूलिश मिस्टेक्स? कितनी बार मैंने समझाया तुम्हें, लुक एट मी। मैंने बताया था ना तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। Tell me one thing, अगर लॉस हो जाएगा तो कौन कवर करेगा? तुम करोगी? प्रिशा, अगर तुम सौम्या की कजिन नहीं होती ना तो पता नहीं मैं। I'm sorry, से गलती हो गई। I swear फिर से नहीं होगी। सौम्या तुम, अरमान। सौम्या तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, तुम हमेशा इसकी साइड लेती हो ना, इसलिए ये कुछ सीख ही नहीं रही है। अरमान, क्या जो मैंने पहले देखा वो सच है या जो अब देखा वो सच है? सुपर अरमान, क्या ड्रामा किया है! अब दारा भाभी को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। नो वेज, टू गुड। यासिमी सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने आपका मैसेज टाइम पे नहीं पढ़ा। मैंने मैम को बोल दिया कि आप सेट पर नहीं आए हो। लेकिन बाद में ना मैंने उनको वापस फोन किया और मैंने उनको ये बोल दिया कि शायद आप किसी और सेट पर गए होंगे। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया सर। What? Simi, are you mad? You know what? You are an idiot. You know what? अगर तुमने सौम्या को कॉल नहीं किया होता तो उसे कोई डाउट नहीं होता, लेकिन दोबारा कॉल करके तुमने उसके डाउट को और पक्का कर दिया। She is very smart. उसे 100% पता चल गया होगा कि तुम झूठ बोल रही हो। सही कहा आपने अरमान, बहुत स्मार्ट हूं मैं। मुझे डाउट तो था ही कि आपने मुझसे झूठ कहा है, लेकिन अभी उस डाउट को आपने खुद ही कंफर्म कर दिया। क्यों झूठ क्यों कहा आपने मुझसे अरमान?
सिर्फ आज ही नहीं, कल, और न जाने उसके पहले कितने झूठ आपने मुझसे कहे होंगे जो कभी पकड़े ही नहीं गए। ऐसा कौन सा सच है जो आप छुपाना चाहते हैं जिसके लिए आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने झूठ बोल रहे हैं मुझसे? You know why? क्योंकि तुमसे शादी करने से पहले अरमान ओबरॉय वॉज अ फ्री बर्ड। लाइफ जीने का एक स्टाइल था मेरा, लिव लाइफ किंग स्टाइल। लेकिन अब तुम्हारे इन सवालों की वजह से बस ऐसा लगता है कि 24/7 मैं बस तुम्हें रिपोर्ट कर रहा हूं। अरमान ओबरॉय रिपोर्टिंग मैम, मैं ऑफिस पहुंच गया। अरमान ओबरॉय रिपोर्टिंग मैम, मैं घर आ गया। यू नो व्हाट, हाउ आई फील, आई डोंट फील लाइक अ हस्बैंड। ऐसा लगता है कि मैं कोई सर्वेंट हूं तुम्हारा। आई फील लाइक अ केज्ड पैरट एंड आई कांट टेक दिस एनीमोर। इनफ इज इनफ नाउ। सौम्या बेटा, तुम ही कुछ बताओ, क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं कि तो प्रॉब्लम है मम्मी जी, बस एक सवाल पूछा था मैंने इनसे कि वो कहां थे। कल आपने मुझसे कहा था कि आप ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, आप वहां नहीं थे। फिर आपने कहा कि आप ऑफिस में नहीं, किसी इन्वेस्टर के साथ बाहर मीटिंग करने गए थे। मैंने कहा ओके, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। क्यों? क्योंकि वो डाउट नहीं था, वो ट्रस्ट था अरमान। आज आपने मुझे कहा कि आप वसई सेट पर गए थे मेरे लिखे हुए एपिसोड डायरेक्टर को समझाने के लिए, लेकिन आप वहां नहीं थे, राइट? कहा ना आपने मुझे? कहा कि नहीं? यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे सवाल ही प्रॉब्लम है। सिमी डर गई थी, झूठ बोल दिया उसने, उसे नहीं पता था क्या बोलना है। लेकिन सच ये है कि मैं गया था सेट पे, बोल दिया झूठ सिमी ने, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन सा चार्ज लगने वाला है मुझ पर। लेकिन इस बार मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने वाला हूं, नथिंग एट ऑल। और क्यों दूं मैं जस्टिफिकेशन? मैंने शादी की है या फिर कोई स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुम्हारे साथ? अगर डाउट है मुझ पे, अगर मुझे भरोसा नहीं है, लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मत रहो मेरे साथ। यू कैन जस्ट लीव मी, यू कैन गो टू हेल। मैं आपकी किसी भी बात से अग्री नहीं करती। मैं अब भी अपने ही स्टैंड पे खड़ी हूं कि आपने मुझसे झूठ बोला। आई रियली विश कि जीजू भी तुम्हारी इस कंडीशन को समझते। ये सारे आदमी पता नहीं अपने आप को क्या समझते। मतलब आप इनसे दो सवाल नहीं पूछ सकते हो? जरा सा कुछ पूछ लिया तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनकी शान कम हो गई है। पता नहीं कौन से राजा महाराजा वाले सिम्टम है इनके अंदर। मतलब एक तो खुद गलती करो और उसके ऊपर से आप सामने वाले को। प्लीज अरमान, मेरे हस्बैंड है प्रशा, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ या हो रहा है, हमारे बीच सही या गलत नहीं, वो हम दोनों की आपस की बात है, पति पत्नी की बात है, और वो हम दोनों मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे प्रशा। इसलिए चाहे कोई भी हो, तुम ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें ये हक नहीं दे सकती कि तुम यहां बैठकर मेरे सामने मेरे हस्बैंड की बुराइयां करो। होता है जब आपको किसी की असली नेचर के बारे में बाद में पता चलता है तो ऐसा होता है। आई अंडरस्टैंड आपका जो पेन है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं सब समझती हूँ। पता नहीं सौम्या को क्यों इतना बुरा लगा, आपने ही तो गुस्सा किया था ना, आपने मुझ पे भी तो गुस्सा किया था ना, मुझे तो इंसल्ट फील नहीं हुई। ठीक है, हम इंसान हैं, गलतियाँ तो सबसे होती है, हमेशा सही तो नहीं हो सकता ना कोई। और अगर आप चिल्ला भी दिए तो क्या हो गया, आप आज उस पोजीशन पे हैं कि आप गुस्सा कर सकते हैं। योर दी अरमान ओबरॉय। आई
हमेशा तुम कितना समझती हो मुझे। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मैं तुमसे आज कहूं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो एटलीस्ट तुमने एडमिट तो किया कि सौम्या नहीं प्रिशा वॉज द राइट चॉइस। बहुत जल्द ये भी टाइम आएगा जहां तुम कहोगे प्रिशा आई लव यू प्लीज मैरी मी। मेडिसिन तो ज्यादा नहीं दे सकती लेकिन हाँ इनको अपना स्क्रीन टाइम टोटली कट ऑफ करना पड़ेगा। टीवी देखना लैपटॉप पे काम बिल्कुल बंद। फोन बहुत जरूरी है तो ही अटेंड करना वरना ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और हाँ रेस्ट जरूर करना। सोम्या अगर तुम्हारी आंखों की तकलीफ बढ़ गई थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम तो जानती हो ना मुझे गुस्से में कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। But now looking at you, I'm feeling terrible. I'm sorry. हस्बैंड वाइफ में हो जाते हैं झगड़े लेकिन तुम ही कहती हो ना हमेशा कि ऐसी चीजों को एडिट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं कह रहा हूं लेट्स फॉरगेट ऑल दिस आगे मूव ऑन करते हैं ना रीराइट करते हैं हमारी स्टोरी। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हमारे बेबीज मिलने वाले हैं हमें। तो तुम चाहती हो क्या कि हमें ऐसे देखें फाइट करते हुए उनके लिए हम लवली मेमोरीज बनाते हैं ना फिर से पहले वाले सौम्या और अरमान बन जाते हैं ना। मैं आती हूँ। वन सेकंड आप सही कह रहे हैं अरमान लेकिन उसके पहले मुझे आपसे और प्रिशा से दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। अरमान प्रिशा आपके साथ काम नहीं करेगी। क्यों? प्रिशा का काम वैसे भी आपको कुछ ज्यादा पसंद है नहीं और आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं लैपटॉप मोबाइल फोन्स ये सब यूज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दिस। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब प्रिशा घर पे रहेगी और मुझे लिखने में हेल्प करेगी। और प्रिशा तुम अपनी सैलरी की टेंशन मत लेना ओके मुझे जो भी राइटिंग फीस मिलती है उसमें से मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी दे दूंगी। ओके फाइन। सौम्या ये देखो सुषमा ने ना तुम्हारे आईज के इन्फेक्शन के लिए एक मेडिसिन ढूंढी है। तुम्हारे डैडी जी के दोस्त है ना मिस्टर अरोरा उनसे कहकर देखो ये रेयर हर्ब मंगवाया है और पता है कहां से स्पेशली अफगानिस्तान से। इस हर्ब का पेस्ट बना के तुम्हारी आईज पे लगा देंगे तो फिर ये जो वाटर गिर रहा है ना ये स्टॉप हो जाएगा। अब प्रिशा बेटा सुनो ये जो हर्ब है ना इसको बॉईल करके पीस लो और इसका पेस्ट बना लो और वो सौम्या की आईज में लगाना है। मिक्सी में नहीं पीसना बेटा इसमें पीसना है। थैंक यू आंटी जी आपकी वजह से मुझे वो आइडिया मिल गया जिससे मैं वो कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती थी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.